नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। जबलपुर में फिल्मी स्टाइल में किसान स्पेशल ट्रेन, मालगाड़ी से अनार की पेटियां चलती ट्रेन से पार करने की कोशिश चोरों द्वारा की गई। अनार की पेटियां जबलपुर स्टेशन और मदन महल स्टेशन के बीच में 3 नंबर पुल के पास झाड़ियों में चोरों द्वारा फेंका गया था, जिसकी सूचना एक व्यक्ति द्वारा डायल 100 को दी गई, जिसके बाद डायल 100 से आरपीएफ को मामले की जानकारी दी गई। मामले की जानकारी लगने के बाद आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और मौके से झाड़ियों से अनार की 48 पेटियां बरामद करते हुए एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं आरपीएफ अधिकारी का कहना है कि डायल 100 की सूचना के बाद आरपीएफ को मामले की जानकारी लगी थी, जिसके बाद आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और 48 पेटियां बरामद की हैं। आरपीएफ अधिकारी ने बताया है कि 3 से 4 आरोपियों ने किसान स्पेशल ट्रेन मालगाड़ी में चोरी करने की कोशिश करते हुए अनार की पेटियों को झाड़ियों में फेंक दिया था। डायल 100 के माध्यम से आरपीएफ को मामले की जानकारी लगी थी। आरपीएफ मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है। हाँ, अभी किसान स्पेशल ट्रेन जा रही थी जो जबलपुर से मदन महल के बीच में ट्रेन सिग्नल के लिए खड़ी हुई थी। मीन भाई, कुछ मिस्क्रिएंट्स ने अनार की पेटियां जो है ट्रेन से उतारी हैं, जिसको किसी व्यक्ति ने देखा और उसने डायल 100 पर फोन किया और उनके थ्रू हमको मैसेज मिला और हमारा स्टाफ पहुंचा। तब तक वो मिस्क्रिएंट्स भाग गए। बस सत्य ये कि लगभग 48 या 47 अनार की पेटियां हैं जो रिकवर हुई झाड़ियों से, तो उनको पोस्ट पे लाया गया है और अभी एक अज्ञात के खिलाफ मामला कायम किया गया है। चल, लगभग कितने लोग हो सकते हैं इसमें? अब जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन थी, कम से कम 2-3 व्यक्ति हो सकते हैं इसमें और बाकी प्रयास किए जा रहे हैं पकड़ने। कितने बजे की घटना है सर ये? लगभग ये 2:30 की घटना है, लगभग 3 से 4 के बीच का टाइम रहा होगा।